नमस्कार, मैं हूं सुमित झाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। आज हम पहुंचे हैं एक बर्थडे सेलिब्रेशन में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे यहां पर खबर क्या है। तो खबर ये है भाई साहब कि बर्थडे सेलिब्रेशन है GD गोइंग का, टोडलर हाउस जो चरखी दादरी में है, उस स्कूल का आज बर्थडे है और उसका बर्थडे जो है बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा जो स्कूल का पूरा पिछले एक साल का जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूरी की पूरी डिस्प्ले की गई हैं, चाहे बच्चों को पढ़ाने के लिए है, उनके हर तरीके से उनको डेवलप करने के लिए है, चाहे उनको बाहर जो अलग अलग जगहों पर उनको ले जा करके जो उनका जो बाहर का जो डर है, जो देश दुनिया की जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाई जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाकायदा जो बीच बीच में फंक्शन हो रहे हैं उनको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। तो साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि मेडिटेशन का भी यहाँ पर बिल्कुल दिखाया गया है कि बच्चों को किस प्रकार से हर प्रकार से तैयार रखा जा सकता है, वो जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ दिखाई गई। आज GD गोइंग का टोडलर हाउस जो है उसका आज चरखी दादरी में जो है उसका बर्थडे है भाई जी, और उसी बर्थडे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैम यहाँ पर इंतजार में है अपने गेस्ट के, उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। आपको चाहूँगा एक बार थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखा दें, गेस्ट यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन गेस्ट का बाकायदा यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और यहीं से ही ज़रा जानते हुए चलेंगे कि क्या कुछ आज ये फंक्शन किया जा रहा है, उसमें क्या कुछ खास है। नमस्कार मैम, क्या कुछ किया जा रहा है आज? सर आज जो है बच्चों को एनुअल फंक्शन के लिए डांस है, स्किट है, काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो बच्चों को दिखाए जा रहे हैं। पेरेंट्स को मोटिवेट किया जा रहा है कि बच्चों को और अच्छा दिखाएं, कितना हमारे बच्चों ने कितनी मेहनत की है वो सब आज दिखाई दिया। बिल्कुल, मुझे पता चला था मैम कि आज बर्थडे है GD गोइंग का। जी बिल्कुल, बर्थडे है आज GD गोइंग का। किस तरीके से मनाने वाले हो? डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम इस फंक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम रहेंगे। और यहाँ पर आप दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ जो पूरा स्टेज यहाँ पर लगा दिया गया है, तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं, अपनी जो प्रतिभा का हुनर यहाँ पर वो लोग दिखाने वाले हैं। पूरे साल का रिपोर्ट कार्ड है वो आज शायद जो GD गोइंग का जो है वो अपने पेरेंट्स के सामने, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके सामने रखने वाले हैं, और पेरेंट्स भी देख पाएंगे कि उनके बच्चों ने पूरे साल में क्या कुछ सीखा है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, बच्चे जो हैं अपनी धमाकेदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार दिखा दें कि चारों तरफ जो है वो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने अपने बच्चों की जो है वो परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। और कुछ लोगों से यहाँ पे जानेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी लग रही है, क्या कुछ स्कूल ने करवाया है, तो वो जरा जान लेते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसा लग रहा है आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा है जी। GD गोइंग का बर्थडे मना रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे भी काफ़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है जी। आपका बच्चा पढ़ रहा है इधर? हाँ जी, ये रही 15 पास में ही है जी। अच्छा, तो कैसी परफॉर्मेंस रही है एक साल के दौरान? सही है जी, बिल्कुल प्रोग्रेस है जी। प्रोग्रेस है? हाँ जी। पहले जिन स्कूलों में पढ़ रहे थे उनसे बेहतर है? फर्स्ट टाइम ही लिखवाया। फर्स्ट टाइम? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी। जी संतुष्ट हैं यहाँ पर। और देखिए जैसे कि मैंने पूछा कि संतुष्ट हैं, लेकिन सबसे मेन बात तो मम्मियाँ बताती हैं कि वो संतुष्ट हैं या नहीं। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। बच्चे की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं? हाँ जी। स्कूल कुछ सही साबित हो रहा है? हाँ जी। डिसीजन सही रहा है? हाँ जी। जी तो आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ GD गोइंग का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी बहुत अच्छा लग रहा है, सबको काफी अच्छा है। इधर भी भाई साहब क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या देख रहे हैं आज? GD गोइंग का बर्थडे है,
बर्थडे तो मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है। बच्चों ने जो धूमधाम मचाई है कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर और भी लोग हैं, जरा जानेंगे। नमस्कार मैडम। मैम कैसा लग रहा है आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत की उन्होंने इनके लिए। मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चों को काफी सारी चीजों को के लिए बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, तो स्कूल समझा पाता है? हाँ जी सर, काफी अच्छा चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से घर आके भी प्रैक्टिस करते हैं वो, ओरल होमवर्क हो या फिर रिटन प्रैक्टिस हो अपने आप से भी करते हैं, और कभी छोटे बच्चे हैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चलती है, मतलब स्कूल उनको हैंडल कर रहा है। हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। लग रहा है कि भैया यही स्कूल बेस्ट था, अगर किसी और स्कूल में कराते तो शायद ये चीजें ना हो पाती। काफ़ी डिफरेंट है, जैसे मेरा बेटा भी पहले दूसरे स्कूल से गया है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है, तब की चीज़ों में अब की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क आया है, मतलब बच्चे में बड़ा फर्क देख रहे हैं। हाँ जी जी। तो आज बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल, वो परफॉर्मेंस हो चुकी, सबसे आगे मेरी बेटी थी वो। ओके, तो कैसा लगा जब उसको स्टेज पे देखा है तो? बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हो गए पूरा? हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत खुश है। यहाँ पर देख सकते हैं पेरेंट्स खुश हैं, तो पेरेंट्स खुश हैं तो जाहिर सी बात है काफी अच्छी चीजें हैं कि पेरेंट्स जो है बेहतर तरीके से अपने बच्चे का जो भविष्य है वो देख पा रहा है। और भी है भाई साहब, क्या अल भाई जी? बढ़िया सर। हैप्पी बर्थडे मना रहे हो? हाँ जी। तो हैप्पी बर्थडे की विशेष दे दी? हाँ विशेष दी है, विशेष देने ही आए हैं जी। तो बच्चों के हाथ भिजवा दी विशेष या अपने आप ही देने आगे? ना बच्चों को भी भेजा है, हम भी आए हैं जी। तो बच्चों ने जो पूरे साल में सीखा है क्या वो आज इस बर्थडे के ऊपर वो अपने दिखा पा रहे हैं? हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, बीच बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम भी होते रहते स्कूल में, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चों का जी। और आज का प्रोग्राम देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। तो स्कूल को क्या 10 out of 10 मतलब कितना देंगे? नाइन दे देंगे। यस मतलब टॉप का स्कूल है। हाँ जी बढ़िया। औरों को क्या कहेंगे? औरों को भी कहेंगे अपने बच्चों को इस स्कूल में कराओ एडमिशन, और उनका जैसे बेस अच्छा होगा तो बच्चा आगे भी पढ़ाई में ठीक रहेगा। तो मतलब बेस बना देंगे ये पूरा? हाँ जी जी। टोटलर हाउस है तो जाहिर सी बात है बेस की ही बात करेंगे, क्योंकि बेस जो है वो बच्चे का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी लोग हैं यहाँ पे, मैम है, मैम से बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसा लग रहा है आज प्रोग्राम? ये बहुत अच्छा लग रहा है, सुना था कि तारे जमी पे, तो दिन में ही तारे जमी पे आए हुए हैं। वाह जी वाह, मैम ने कमाल की बात कह दी। और मैं आपको लोगों को बता दूं, आज के जो सेलिब्रेशन को तारे जमी के नाम से इन्होंने संबोधित किया है, और उसी के नाम से ये जो फंक्शन है वो मनाया जा रहा है। और काफ़ी सारे जो तारे मतलब जो स्टार्स हैं, जो किड्स हैं, छोटे छोटे जो किड्स हैं वो आज यहाँ पर साइन कर रहे हैं। तो सर आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पूरा साइन कर पा रहे हैं जैसे तारे चमकते हैं वैसे ही? बिल्कुल जी, एक दादरी पिछड़ा एरिया था, इसमें एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया रविंद्र जी ने, और मैं बार बार रविंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस पिछड़ा एरिया में इतना बढ़िया स्कूल चला रहे हैं और बच्चा का सर्वांगीण विकास हो रहा है इसमें। और अभी देखा था मैंने एक छोटे छोटे जो बच्चे गांव के स्कूलों में कुछ चलना भी नहीं आता, जिनको कुछ भी नहीं आता, वो आज बच्चे स्टेज पर कमाल धमाल कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी का जो ये सुविधा उपलब्ध करवाई जी। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं, और पेरेंट्स की जो खुशी है वो आज वो लोग अपना बिल्कुल दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो उनके बच्चे हैं जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं। हेलो बेटा। हेलो तो बोलो। हेलो, कहाँ पर पढ़ते हो? इसी स्कूल में पढ़ते हो? बोल के बताओ कौन सा नाम क्या है स्कूल का? जीडी गोइंग का स्कूल। और मैम अच्छे लगते हैं? पढ़ाते हैं अच्छे से? वाह जी वाह। और सर कैसे हैं आप? आज कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा है, फर्स्ट टाइम इनका फंक्शन हो रहा है, देख रहे हैं। मेरे बच्चों का फर्स्ट ईयर एडमिशन था यहाँ जी। अभी दोनों बच्चे मेरे ट्विंस हैं जो यहाँ फर्स्ट क्लास में हैं फिलहाल। परफॉर्मेंस ठीक है स्कूल की, सेटिस्फाई हैं हमसे? सेटिस्फाई हैं, या फिर मैं ये पूछूं कि बहुत ही अच्छा है या कैसा है? मतलब अगर हम 10 out of 10 marks आपसे पूछें तो कितना आप देंगे? अभी तक 9 का ही है। 9 का है, 10 out of 10 तो आगे परफॉर्मेंस बच्चों की नेक्स्ट ईयर देखी जाएगी जो कुछ भी रहेगा जी। तो बच्चों को पहले किसी दूसरे स्कूल में भी करवाया था कि सीधा इसी स्कूल में ही पहली बार लेके? बच्चे पहले दूसरे स्कूल में थे, अभी फर्स्ट टाइम इनकी ओपनिंग हुई, तो बच्चों का जो टेस्ट वगैरह जो छोटे बच्चे हैं
फर्स्ट क्लास के हैं जी। इन्होंने जो वाइवा वगैरह सा लेके इन्होंने अपना एक संस्था रखा था, उसके तहत इनका एडमिशन कराया। जी डी गोइंग का अपने आप में एक ब्रांड थी, उस ब्रांड से इम्प्रेस होके मैं, मतलब ब्रांड जितना बड़ा ब्रांड था, ऊंची दुकान फीका पकवान तो नहीं साबित, नहीं वैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन परफॉर्मेंस के अनुसार अभी ठीक है। लेकिन बच्चे का फर्स्ट ईयर में कुछ पता नहीं चलता जी, आगे देखते हैं। अभी बेहतर चल रहा है बच्चे, दोनों मेरे ट्विंस हैं, ये दोनों एक ही क्लास में, दोनों ठीक चल रहे हैं जी। बिल्कुल सुन सकते हैं आप, और भी इधर भी हैं जी। मैम नमस्कार। नमस्कार, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ। तो बच्चों का क्या परफॉर्मेंस देख पा रहे हो? कुछ सिखा भी रहा है? या जैसे सर से मैंने पूछा कि ऊंची दुकान और फीका पकवान तो साबित नहीं होगा, जीडी गोयंका का जितना बड़ा नाम था वो कहीं उतना बड़ा साबित ना हो पाया हो? नहीं, सही है। सही है, मतलब यहाँ पर जो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है ना, वो अच्छी है काफी, मतलब स्टडीज में भी और डांसिंग में, अदर एक्टिविटीज सब अच्छा है, हर चीज में स्पोर्ट्स कराते हैं लोग। मेरा तो भांजा पढ़ता है, हम तो इसलिए आए हैं, बट जैसे देखते हैं तो लगता है कि अच्छा चल रहा है। तो भांजे को देख करके तो बहुत कुछ देख रहे होगे ना कि उसमें क्या डेवलपमेंट है? हाँ, मतलब वो हर चीज में एक्टिव है, ड्राइंग हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गया, स्पीकिंग, मतलब पूरी ओवरऑल ग्रोथ रहती है जी। सुन सकते हैं जी, हम नहीं अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, ये सब लोग बोल रहे हैं और भी आगे भी कुछ लोग हैं, जरा उनसे भी जरा हम जानने की कोशिश करते हैं जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कैसा लग रहा है मैम आज स्कूल में? अच्छा लग रहा है सर। जो स्कूल जो कुछ करवा रहा है उससे क्या लग रहा है कि कुछ डेवलप कर पा रहा है? हाँ जी, लग रहा है कुछ नया ही होगा आगे भी, नया उम्मीद करते हैं कि आगे भी नया कुछ हमें अच्छा ही मिले। काफी सारे और स्कूल भी हैं मैम, तो इसी स्कूल को क्यों चुनते हैं? देखो एकेडमिक तो हर स्कूल कराता है, पर यहाँ तो काफी चीजें, लैंग्वेज भी थोड़ा सा है इम्प्रूवमेंट बच्चों पे जी। और भी काफी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगी है जी। काफी सारी चीजें अच्छी लग रही हैं लोगों को, और कमाल की बात यह है कि हर फील्ड पे काम करते हुए बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे जरा एक एक करके जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? नहीं, बांजा पढ़ रहा है। बांजा पढ़ रहा है, तो बांजे में क्या चेंज देख रहे हैं सर? सारा चेंज है। किस तरह के चेंज देखे? शैतान हो गया है, पढ़ाई में आगे बढ़ गया है, खेल में आगे बढ़ गया है, हर चीज में आगे बढ़ गया है, मतलब जीडी गोइंग का काम कर रहा है। हाँ, काम कर रहा है, प्रोएक्टिव हो गया है। प्रोएक्टिव जी सर, प्रोएक्टिव हो रहे हैं बच्चे। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर जी। तो आज स्कूल को कितने मार्क्स दे रहे हैं आप? 10 में से 10 दे रहे हैं, क्योंकि इनका तो साल हो गया, बर्थडे आ गया इनका। हाँ जी, बढ़िया, 10 में से 10। हाँ जी, वाह जी वाह, कमाल है जी। जी भाई साहब, कितने मार्क्स दे रहे हो आज? 10 out of 10। कुछ एक आधा तो काट लो, इनफ है, किसी नाम का तो काट ही लो। नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भाई बिल्डिंग में कोई कमी, कोई टीचर में कोई कमी, या किसी और कोई कमी नहीं, सारी चीज़ एक्सेलेंट है। 10 out of 10 एंड वी आर सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट जी, ऑल द थिंग्स जी, सेटिस्फाइड हैं। और यहाँ पर बच्चे हैं, आज यहाँ पर कैसे आए हो? हमारे रिलेटिव ने दिए, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं। अच्छा, ओके, तो उन वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो बच्चा भी देखने आया है कि जो बच्चे हैं, जो उनके साथी हैं, वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और किस प्रकार से जो तमाम जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। पेरेंट्स से हमने काफ़ी सारी बातें की हैं, पेरेंट्स काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, और उसी दौरान में अभी हम जो चीफ गेस्ट यहां पर पहुंचे हैं प्रोग्राम में, उनके पास भी हम बैठे हुए हैं। मेरे साथ में आप देख सकते हैं आरपीएस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं सुधीर जी, हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, और इधर दूसरी तरफ आप मेरे साथ यहां पर देख सकते हैं कांग्रेस के काफ़ी बड़े लीडर हैं अनिल जी, अनिल धनखड़, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़रा इन्हीं से जानेंगे कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा है, वो ज़रा पूरी डिटेल से जानते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। कुछ दिनों पहले आपका भी प्रोग्राम था, हमने वो भी कवर किया था, आज हम इन छोटे छोटे बच्चों को कवर कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? देखिए सर, बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने बहुत जी जान लगा के इन बच्चों को उस स्टेज तक लेके आए हैं जी। और
पहली क्लास का पहला जो स्टेज होता है बच्चे के लिए सच में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। जीडी गोयनका स्कूल ने दादरी में इन बच्चों को निखारने का काम किया है, वो प्लेटफॉर्म दिया है। आप माँ बाप को देखिए, उनकी खुशी, उनका चेहरे देखिए, उनकी एक्सपेक्टेशन देखिए, उनके जो 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 सपने हैं वो यहाँ आपको इस स्टेज के माध्यम से फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो नो डाउट टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सारे टीम मेंबर्स को और बहुत शुभकामनाएं हैं इन प्यारे प्यारे बच्चों को भी। जी, और आरपीएस स्कूल से धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ में हैं। धर्मेंद्र जी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं आपने, बड़े बच्चों को भी देखा है, छोटों को भी देखा है, आज का प्रोग्राम आप देख रहे हैं तो आज कैसा लग रहा है? क्या जो आज जीडी गोयनका का जो बर्थडे मनाया जा रहा है उसमें बच्चे धूम धड़ाका कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल धूम धड़ाका हो रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक साल हुआ है संस्थान को, एक साल के अंदर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए रविंद्र जी ने, उनकी पूरी टीम ने, सभी टीचर ने, प्रिंसिपल ने बहुत अच्छा शानदार काम किया है। जीडी गोयनका जैसा ग्रुप हमारे पूरे दादरी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ लेके आए और इस मुकाम पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इसके पर्दे के पीछे की जो मेहनत है वो बहुत ही मेहनत होती है कि बच्चे यहाँ तक लाए जाते हैं और वो मतलब परफॉर्म करते हैं सबके सामने। इतने छोटे बच्चे जब हम थे तो शायद स्टेज पे जाने का सपना भी नहीं होता था, सोच ही नहीं पाते थे सर, मतलब बहुत डर लगता था, स्टेज बहुत बड़ी चीज होती थी। आज बच्चे देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब प्री नर्सरी के बच्चे होंगे सर, ये प्रॉपरली बोल भी नहीं पा रहे होंगे फिर भी वो वहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और आज मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं और जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है ना, सभी के सभी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनको कैमरे में कैद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब हर तरफ जो है मोबाइल कैमरा निकल आता है और ऐसी चीज़ें हैं ना, ज़्यादातर हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता आते हैं स्टेज पर तो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके जो शुभचिंतक होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो लोगों के लिए बड़ा ही रिकॉर्डिंग होती है। आज छोटे छोटे बच्चों का रिकॉर्डिंग देख रहे हो, क्या लग रहा है कि ये बच्चे उस लायक जीडी गोयनका ने बना दिया है? बहुत देख के बड़ा खुशी होती है कि हमारे चरखीदास जैसे इलाके में ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसी ग्रुप आया है जो आने वाले भविष्य को तय करेगा, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनती है उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए और जो ये बच्चों की नींव मजबूत होगी तो वो आगे का भविष्य तय करेगी। जी। पहले भी कहा है कि यही बच्चे आने वाले जो भविष्य होगा, इनमें से खिलाड़ी भी निकलेंगे, एजुकेशनिस्ट निकलेंगे, एकेडमिक्स निकलेंगे, आईपीएस आईएएस निकलेंगे, बड़े बड़े नेता निकलेंगे। तो जीडी गोयनका का जो आज हमने ये देखा सारा, बहुत सुंदर और बहुत हमें खुशी है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जी बिल्कुल, भविष्य सुरक्षित हाथों में है। और कमाल की बात यह है कि इतनी सुंदर परफॉर्मेंसेज जो यहाँ पर स्टेज पर हो रही हैं वो कमाल की हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस इतनी तादाद में यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो आए हैं। यहाँ पर आप चारों तरफ देखिएगा कि चारों तरफ काफ़ी सारे जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की जो पूरे साल की जो मेहनत है आज उसको देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पेरेंट्स भी बड़े ही शानदार मनमोहक ड्रेसेज में आए हुए हैं, ज़रा इनसे भी जानते हैं कि बच्चे कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, इतनी शानदार ड्रेस, हरियाणवी ड्रेस में पहुँचे हो, क्या खास बात है? खास बात हरियाणवी में वैसे ही खास बात तो है ही। जी हाँ जी, हरियाणवी में खास बात है। और आज बच्चे की जो परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं इस खास ड्रेस में, खास मतलब स्कूल का बर्थडे के टाइम पे ही, ऐसा क्या खास? आज बच्चे की परफॉर्मेंस खास है या स्कूल ही खास है? स्कूल भी खास है, बच्चे भी खास हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी खास थी। जी खास है ये स्कूल भी और बच्चे भी खास हैं। यहाँ पे देख लिए, इनाम भी जीता, इनाम जीता बेटा, भैया ने जीता है। अच्छा आपने जीता इनाम, मजा आया आज स्टेज पे? वाओ, बच्चे देख लीजिए बड़े खुश हैं। और कमाल की बात यह है कि जो ये इसी तरह की परफॉर्मेंस जो है लगातार स्टेज पर जा रही है। तो देखिए कार्यक्रम में हमारे चरखी दादरी की पूर्व बीओ रोशनी शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम में इनको लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं मैम, तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर जो बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके? बहुत ही सुखद वातावरण है, मैं शायद शब्दों में अपनी हर्षोल्लास को बांध नहीं पा रही हूँ। बहुत छोटे बच्चे हैं, हालांकि मैंने 42 वर्ष काम करके ऐसे ऐसे बच्चों को बहुत देखा है, लेकिन फिर भी इनको देखकर मैं उसी स्थिति पर पहुंच गई जब शुरू में मैं किसी विद्यालय में अध्यापिका कार्य कर रही थी। बहुत ही अच्छा वातावरण है। वास्तव में इसका जो शीर्षक दिया है तारे जमी पर,
उसी प्रकार से कि जिस पर ये वास्तव में तारे हैं जो ज़मीन पर चमक रहे हैं और हमारे व्यक्तित्व को, हमारे वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो लग रहा है आज तो दिन में ही तारे ज़मीन पर उतराए। बिल्कुल लग रहा है, कोई शक नहीं इसमें, बिल्कुल लग रहा है कि तारे ज़मीन पर आए हैं। मैं ये भी वो कहना चाहूँगी कि वो एक है कि खो ना जाए ये तारे ज़मीन पर, तो सभी अध्यापकों से ऐसा चाहूँगी कि वो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों को विशेष नैतिक शिक्षा, जिसकी आज महत्वपूर्ण कमी है, उसको दें। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए रविंदर सर की वाइफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम पूरा एक साल हो गया, आज तो बर्थडे मनाया जा रहा है। यस सर। और हमें साथ में रोशनी मैम का आशीर्वाद जो मिल रहा है, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। जी तो परफॉर्मेंस से अभी आपने बात की होगी पेरेंट्स से, काफ़ी सारे पेरेंट्स से मिले हैं, कैसा लग रहा है उनको, क्या परफॉर्मेंस वाइज उन्होंने आप लोगों को फीडबैक दिया है? बहुत खुश हैं वो, और ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे स्टेज पे चले जाएं, उससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी देख पा रहा था जिस उम्र में शायद हम लोग स्टेज पे जाने की भी नहीं सोचते थे, आज छोटे छोटे बच्चे हम स्टेज पे डांस करते हुए देख रहे हैं। यस सर, और मतलब यही है उनका कि वो आगे चल के, कि हमें तो जो जगह नहीं मिली बचपन में, हमारे बच्चों को तो कम से कम मिल रही है, और वो आगे जाके स्टेज मतलब सीख जाएंगे उसी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कमाल है, ये कमाल कर दिया है जीडी गोयनका ने, चरखी दादरी में है एमसी कॉलोनी में, और वहाँ पर इस स्कूल ने पर पूरा एक साल जो है वो अपना धमाल के साथ पूरा कर दिया, और आज उसका कमाल आप यहाँ पर स्टेज पर देख ही रहे हैं। जहाँ एक तरफ परफॉर्मेंस हो रही है तो वहीं पर टोडलर हाउस के, जो जीडी गोयनका टोडलर हाउस के हमारे साथ छोटे छोटे ये जो बच्चे हैं ये भी हैं। नाम क्या बेटा आपका? युधिष बुधवाए। ओके, और आज आपने क्या क्या किया है? मस्ती। मस्ती की कहाँ पर? वाटिका में। अच्छा, और स्टेज पर भी गए थे आप? यस। किसने सिखाया आपको स्टेज पर जा करके डांस करना? पूजा मैम ने। अच्छा, स्कूल में है आपके मैम? अच्छा, स्कूल में आपको सब कुछ सिखाते हैं? अच्छा, और मैम अच्छे लगते हैं आपको, और स्कूल कैसा लगता है? अच्छा अच्छा है। और पढ़ने देते हैं और या खेलने भी देते हैं? पढ़ने भी देते हैं, खेलने भी देते हैं। अच्छा, सारी चीजें करने देते हैं, मस्ती करते हो पूरा? जी यहाँ पर सुन सकते हैं कि बच्चा पूरी मस्ती करता है स्कूल में, और बच्चा खुश है, खुश तो होते हैं ना स्कूल के अंदर? जी स्कूल में बड़ा ही खुश रहता है बच्चा। इनकी मम्मा भी है साथ में। जी मैम, बच्चे की परफॉर्मेंस से क्या लग रहा है? जीडी गोयनका ने अपना काम पूरा कर दिया? पूरा किया। आई एम कम्प्लीटली मतलब ओवरवेलम्ड, द परफॉर्मेंस वाज वेरी एक्सीलेंट। तो अब की बार इस साल क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या होना चाहिए, क्या चीज जो जीडी गोयनका है और कर सकता है आपके बच्चे को और आगे बढ़ाने के लिए? मेरे हिसाब से जो एजुकेशन में आज की नीड है वो सारी फुलफिल हो रही है, यही है, इसी को और बेटर करें। जी तो अब मगर मैं फाइनल आपसे पूछूं, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे? आउट ऑफ 10 आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10। वाह जी वाह, देखिए कमाल है जी, ये कमाल कर दिया है। मतलब जीडी गोयनका मतलब धमाकेदार रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब आज उसने बर्थडे पे साबित भी कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सैटिस्फाइड, पेरेंट्स सभी सैटिस्फाइड हैं। जी पेरेंट्स सैटिस्फाइड है, इसका मतलब है कि जो स्कूल है वो अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा है, और यही जो चीज़ है हमने लगातार हर एक पेरेंट से पूछी तो उन्होंने यही चीज़ बताई है। आउट ऑफ 10 किसी ने 9 मार्क्स दिए हैं तो किसी ने 10 दिए, और यहाँ पे मैम ने एक बार फिर से 10 आउट ऑफ 10 दे दिया है, तो कमाल की बात है। जीडी गोयनका के जो डायरेक्टर हैं रविंदर जी, वो भी हमारे साथ हैं। सर जन्मदिन मुबारक हो भाई, ये सो आप लोगों का प्यार है, बड़प्पन है जो आप लोग यहाँ पे पधारे हो, और इस कार्यक्रम के लिए मैं क्या बताऊँ आप सबको, अब बहुत दिल से क्या सर, मैं ये देख रहा हूँ कि 10 में से 10 नंबर दिए जा रहे हैं आपको, ये सब मतलब पेरेंट्स का और आप लोगों का सहयोग है। जी और आज तो आपने बड़ा शानदार रिपोर्ट कार्ड धूम धड़ाके के साथ प्रस्तुत कर दिया सर। देखिए ऐसा है कि आप जब स्टूडेंट होते हैं तो आपके लिए टारगेट होता है कि आप कोई भी परीक्षा होती है उसमें मार्क्स क्या लेंगे। जब हम एक स्कूल संचालक के रूप में हैं तो हमारे लिए यही एक टारगेट है, यही हमारा प्रोग्रेस कार्ड है, यही हमारा प्रदर्शन है कि आपके बच्चे क्या कर पाए हैं पूरे साल में, आपकी परफॉर्मेंस यहाँ स्टेज पे दिखाई दे रही है। जी तो एक साल तो पूरा कर दिया है सर, अगले सालों का क्या अब टारगेट लेकर के चल रहे हैं, क्या अगली बार जो ये पूरा ग्राउंड है ये पूरा जो है वो भरने वाला है क्या, जो आपके पेरेंट्स होंगे, जो बच्चे होंगे, और क्या जैसे आपने पिछली बार मैंने सुना था कि बड़ा स्कूल भी एक ओपन करने की, इसका सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी ओपन करने की बात कही थी, तो क्या उसको भी कहीं ना कहीं करने जा रहे हैं क्या?
बिल्कुल बिल्कुल, ओबियसली हमारा टारगेट है कि हम दादरी के अंदर जब जी डी गोयनका टोडलर हाउस लेके आए हैं तो लोगों की जो जी डी गोयनका के प्रति जो जोश देख के हमें लगता है कि जरूर जल्द ही हम दादरी के अंदर जो है ना सीनियर ब्रांच बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो बड़ा धमाका होगा जी। तो अगले साल की क्या और टारगेट आप लेकर के चल रहे हैं, क्या इन छोटे छोटे इन बच्चों को क्या और फैसिलिटीज मिलने वाली हैं ताकि जो आज जो बाहर जो आपके स्कूल से बाहर की बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं ये देखे कि हाँ मुझे भी ये जी डी गोयनका में ही जाना है। सर देखिए, जी डी गोयनका जब हमने स्टार्ट किया तब से ही हमारे दिमाग में प्लान बिल्कुल क्लियर एंड कट था कि हम एक ऐसा स्कूल बनाएं जो अलग हटके हो, औरों से भीड़ से हटके अलग स्कूल बनाने की हमारी जो प्लानिंग थी वो थी। और हमारा डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर पे भी हमारा फोकस रहेगा स्ट्रेंथ बढ़ाने पे, लेकिन हमारा कभी भी ये फोकस नहीं है कि हम भीड़ इकट्ठी करें। हम अच्छे पेरेंट्स को साथ जोड़ेंगे, अच्छे बच्चे को साथ जोड़ेंगे और ओबियसली उन उस जो भीड़ हमारे साथ होगी, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको हम एक अलग लेवल तक लेके जाएंगे। मतलब उनका प्लेटफॉर्म जो है, उनका बेस जो है वो बिल्कुल पक्का बना के देने वाले हैं ताकि वो कहीं पर भी आगे जाए तो कहीं मार ना खाए। डेफिनेटली जी डी गोयनका का जो बच्चा होगा वो दादरी में चमक के आएगा, अलग से दिखेगा, यही हमारा टारगेट है। इसीलिए आज आपने तारे जमीन पर उतार दिए। तारे जमीन पे आए हैं ये बच्चों, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनके लिए ये टाइटल जो रखा गया था ये इनके लिए ही रखा गया था। और ओबियसली मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी, बिल्कुल। और आज तारे जमीन पर हैं, ये आप देख सकते हैं तारे जमीन पर, और जिन लोगों के वो तारे हैं, उनके आंखों के तारे हैं, वो सभी पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने बच्चों की वो पूरे साल की मेहनत को देख पा रहे हैं कि जो जी डी गोयनका रविंदर जी की जो मेहनत है वो क्या रंग लेकर के आई, आज वो सब कुछ देख रहे हैं। और जैसे हमने सभी लोगों से पता किया तो ज्यादातर लोगों ने 10 out of 10 दिया है या फिर 9 out of 10 दिया है, तो कमाल की परफॉर्मेंस रही है जी ये, और पेरेंट्स के बीच में सर छा गए हैं बस। बिल्कुल, ये भगवान का आशीर्वाद है, आप जैसे साथियों का सहयोग है। और ये 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस एजुकेशन सेक्टर में 20 साल से हूँ। 2003 में मैंने अपनी पहली ब्रांच डाली थी और भगवान के आशीर्वाद से ये मेरी 7वीं ब्रांच है जी। वाह जी वाह, देख लीजिए कमाल कर दिया, 7वीं ब्रांच, लकी 7 रहा सर। बिल्कुल लकी 7 रहा, और मैं मानता हूँ कि भगवान का मेरे ऊपर एक विशेष आशीर्वाद रहा है जो मैं एक इतने छोटे से लेवल से उठ के यहाँ तक कर पाया हूँ, तो उसमें बिल्कुल डेफिनेटली भगवान का विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है जी। बिल्कुल, और ये धूम धड़का लगातार जारी रहेगा, अगले साल भी इसी तरीके से रहेगा। और अगले साल के सर ने बता ही दिया है कि आने वाले समय में बड़ा और धमाका करने वाले हैं, शायद सीनियर जो क्लासेस हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करें, अभी के लिए वो प्लान नहीं है लेकिन आने वाले समय में। और इधर का जो आप प्लान देख ही पा रहे हैं, ये प्लान जबरदस्त कामयाब धूम धड़ाके के साथ आज ये कामयाबी यहाँ पर सेलिब्रेट हो रही है। जी डी गोयनका का बर्थडे है, हम भी जी डी गोयनका को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। और लगातार आप तक भी जो हम इस तरह की सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे, आप भी हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज को। अभी के लिए बस इसमें इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत, मैं सुमित झाका VTS लाइव न्यूज के लिए।